जो भी स्टूडेंट्स जेई एस्पायरेंट थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके एग्ज़ाम डेट को घोषित कर दिया गया है। और एग्ज़ाम डेट के साथ साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश उस टाइम पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, क्या वो अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने को ये न्यूज़ रीड करनी होगी। तो इसमें लिखा है NTA जेई मेंस 2021। लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेई मेंस 2021 परीक्षा के तीसरे और चौथे फेज के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि तीसरे फेज की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जबकि चौथे फेज की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो थर्ड फेज की एग्ज़ाम है वो 20 से 25 जुलाई के बीच कंडक्ट कराई जाएगी, और जो चौथा फेज है उसकी एग्ज़ाम 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। और इसके आगे लिखा है, जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए उनके लिए NTA ने एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन कर दिए। तीसरे सेशन के लिए एग्ज़ाम के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि चौथे सेशन के लिए एग्ज़ाम के लिए 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी स्टूडेंट्स किसी कारणवश फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया था उस टाइम, उनको एक और मौका दिया गया है। यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हो, इनके बीच में आपको अप्लाई कर देना है। तीसरे फेज के लिए 6 से 8 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है, और चौथे फेज के लिए 9 से 11 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई करना है। और इसके अलावा लिखा है, NTA ने उम्मीदवारों को अपना एग्ज़ाम सेंटर बदलने का भी मौका दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं वो भी एग्ज़ाम सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं। और आगे एक और बात इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स की गिनती को भी दोगुना कर दिया गया। तो जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स थे उनकी संख्या दोगुनी कर दी गई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।